एक्सपायरी का दिन। और विदेशी बाजार के संकेतों को अगर आप देखेंगे तो बिकवाली का दबाव हर तरफ से फिलहाल देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार की शुरुआत भी लाल निशान के साथ होती हुई, बीती रात अमेरिकी बाजार में भी बिकवाली का दबाव ही देखा हमने। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर 102 अंकों की बिकवाली के साथ 13,878 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। हांगकांग के बाजार में 423 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। निक्केई में भी लाल निशान के साथ 362 अंकों की गिरावट के साथ ही कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि हल्की सी खरीदारी जरूर दिखाएंगे। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, बीती रात अमेरिकी बाजार में भी भारी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। अगर डाउ की बात करें, नैसडैक की बात करें लाल निशान के साथ, वहां पर ट्रेड हमने देखा करीब 633 अंकों की भारी गिरावट के साथ। डाउ जोन्स में हमने बिकवाली देखी, S&P और नैसडैक में भी लाल निशान के साथ ट्रेड। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से यहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है, अमेरिकी बाजार में बीती रात क्या एक्शन दिखा जिसके चलते यहां पर गिरावट हावी हुई है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज तो गिरावट ही गिरावट है। गुड मॉर्निंग मानसी, काफी कमजोर संकेत आ रहे हैं और ग्लोबली एक सेल ऑफ का माहौल बना हुआ है। हालांकि पिक्चर इतनी खराब नहीं थी, कल 3:30 बजे जब भारतीय बाजार बंद हुए, भारतीय बाजार वीक थे, ग्लोबल मार्केट्स उतनी वीक नहीं थी, पर उसके बाद देखें तो यूरोप, यूएस और आज सुबह एशिया तीनों जगह आपको कमजोरी का ही माहौल आते हुए दिखेगा। यूएस के Q4 GDP डेटा आने वाला है, वहां पर नजर है 4.4% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। फेड की पॉलिसी आई और कोई सरप्राइजेस नहीं थे, रेट्स में तो कोई बदलाव वैसे भी नहीं हुआ है, $120 अरब की एसेट खरीदारी है वो बनी रहेगी, पर हाँ ग्रोथ को लेकर उन्होंने थोड़ी आशंका जताई है। वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधरने में थोड़ा समय लग सकता है, एम्प्लॉयमेंट और साथ ही इन्फ्लेशन इसको सुधरने में समय लगेगा और थोड़ी मॉडरेशन इस समय उन्हें ग्रोथ में आती हुई दिख रही है। आगे इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी, कोरोना पर कितनी जल्दी कंट्रोल आ सकता है और कितनी अच्छी तरह वैक्सीनेशन हो सकता है उस पर भी निर्भर है, तो ये एक बड़ा कॉमेंट आते हुए दिखा है फेड की तरफ से। कल शाम अमेरिकी बाजारों के हाल देखें तो फेड की तरफ से इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, पर वैसे अगर आप देखें तो काफी बड़ी गिरावट के साथ ही बंद हुए, स्पेशली डाउ जहां पर हमने देखा कि 630 अंकों की गिरावट रही, नैसडैक भी 0.8% गिरकर बंद हुआ। एप्पल के आए हैं दमदार नतीजे और इसके बावजूद हमने देखा कि शेयर पर 3% की गिरावट रही जिसकी वजह से बाजार पर भी दबाव बना रहा। $111 बिलियन की सेल्स आई है सिर्फ इसी क्वार्टर में, जो कि कंपनी के लिए रिकॉर्ड है, किसी भी कंपनी के लिए अर्निंग्स का ये रिकॉर्ड है और उनके सारे प्रोडक्ट्स में डबल डिजिट ग्रोथ आते हुए दिखी, पर इतने दमदार नतीजों के बावजूद शेयर में कमजोरी रही। टेस्ला यहां पर नतीजे कमजोर रहे और यहां पर 3% की गिरावट थी। बोइंग से भी कमजोर नतीजे आते हुए दिखे और इसलिए ये शेयर भी 4% लुढ़का, तो इन हैवी वेट्स में भारी गिरावट की वजह से भी मार्केट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पर एक बड़ी वजह जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट्स पर लगातार वॉलेटिलिटी बनी हुई है, वो है जो भी ये वॉल स्ट्रीट बेट्स के शॉर्टिंग स्क्वीज वाले शेयर्स हैं, तो उसमें गेम स्टॉप जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे, कल के सेशन में 134% उछला है ये शेयर, यानी कि अगर आप देखें तो पिछले 10-15 दिन में लगभग 10 गुना का से ज्यादा का उछाल शेयर प्राइस में आते हुए दिखा है। इसके अलावा कुछ और शेयर्स जो ये वॉल स्ट्रीट बेट्स टारगेट कर रहे हैं शॉर्ट स्क्वीज के लिए, वहां पर भी तेजी आती हुई दिखी। AMC के शेयर में 300% का उछाल रहा, ब्लैकबेरी में भी एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा। इस शॉर्ट स्क्वीज की वजह से क्या हो रहा है कि कुछ हेज फंड्स हैं जो अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बेच रहे हैं ताकि वो लिक्विडिटी बना सके कि अगर उनके शॉर्ट्स टारगेट होते हैं तो उसकी वो तैयारी में रहें, तो इसलिए भी बाजार पर दबाव आते हुए दिखा है। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी कमजोरी का ही माहौल रहा, डॉलर में रिबाउंड जो है वो सस्टेन कर रहा है, तेल और सोने पर हल्का सा दबाव दिखा है। ओके, तो यहां पर बड़ी दिग्गज कंपनियों में जो गिरावट हावी होती हुई एक बड़ा कारण रहा जिसके चलते गिरावट रही और साथ ही वॉल स्ट्रीट बेट्स का शॉर्ट स्क्वीज, जो कि विस्तार से हमने कल भी आपको बताया था, लगातार हम ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे इसके चलते भी गिरावट जो है यहां पर हावी होती हुई दिख रही है। बहरहाल लाल निशान के साथ हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में ट्रेड। कल यूएस फेड की पॉलिसी का ऐलान हुआ और ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में 600 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट को और फेड पॉलिसी को कैसे देखें, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ गए हैं। अजय सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। यूएस फेड की पॉलिसी में कोई बदलाव ब्याज दरों में नहीं देखने को मिले, ग्रोथ को लेकर आशंका जताई गई और विदेशी बाजार के भारी बिकवाली के संकेत, इन संकेतों को आप कैसे देख रहे हैं? मानसी सेंटिमेंट बिगड़ा है थोड़ा, क्योंकि ओवर एक्सटेंडेड थे मार्केट्स और सिटी बैंक यूफोरिया इंडेक्स होता है, बैंक एम का सेंटिमेंट इंडेक्स होता है, वो दोनों दर्शा रहे थे कि बहुत हाई सेंटिमेंट हो रहा है, तो एक ये नेचुरल टर्न आया है। इसके ट्रिगर्स क्या रहे? ट्रिगर ज्यादातर यही थे कि अर्निंग्स में थोड़ी निराशा आई, कल टेस्ला और एप्पल के अर्निंग्स
थोड़े कम आए और आगे का जो रुझान है वो इतना अच्छा नहीं दिखा। बोइंग तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे खराब नतीजे आए क्योंकि एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं। एयरलाइंस नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। फेड ने चाहे मार्केट्स को संभाला और कहा कि हमारी पॉलिसी रहेगी और जब हम पॉलिसी बदलेंगे ये अकोमोडेटिव पॉलिसी आपको बहुत चेतावनी हम पहले दे देंगे, अभी हमें दिखता नहीं कुछ भी बदलने में, तो वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव खबर है। बट अभी जो रुझान है कल विक्स जो है यूएस का लगभग 37 लेवल पे पहुंच गया, बहुत जबरदस्त उसमें भी इंक्रीज आया कल। तो इस सब को हमें किस तरह देखना है, टेम्पररीली मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में दिख रही है उसके चलते मार्केट्स बढ़ेंगे, लिक्विडिटी में कोई फेरबदल नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स में कोई फेरबदल नहीं है, रिस्क ऑफ अभी चल रहा है, कुछ दिन चलेगा बट हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये मार्केट फिर पलटेगा। ऐसा नहीं है कि मेल्टडाउन शुरू हो रहा है मार्केट में, ये एक करेक्शन है, हर साल 5-10% का करेक्शन मार्केट में आता है, उसी में एक ये करेक्शन है और ये सुलझ जाएगा कुछ दिनों में, इसमें घबराहट की बात नहीं है। अभी हमें लॉन्ग टर्म मनी होल्ड करके रखना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करें क्योंकि बजट भी आ रहा है भारत में, तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा पोजीशंस लेके ना चलें, बजट हो जाने दीजिए फिर अगले हफ्ते देखेंगे नए शॉर्ट टर्म पोजीशंस बनाने के लिए। बिल्कुल अजय सर शुक्रिया अपना समय देने के लिए और सुबह सुबह विदेशी बाजार के संकेत फेड पॉलिसी पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की कम सोचे लंबी अवधि का सोचे और ये एक करेक्शन है जो कि फिलहाल हम जरूर देख रहे हैं, आने वाले दिनों में यहाँ पर स्थिति ठीक होती हुई दिखेगी, फिलहाल लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाकर चले। आगे बढ़ने से पहले आप जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन आप देखिए। कैश मार्केट में कल एफआईएस ने बिकवाली की है 1688 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 581 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस की 3 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े देखने को मिले हैं। कैश मार्केट में एफआईएस और डीआईएस बिकवाली कर रहे हैं और वायदा बाजार में एफआईएस की 581 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। लेकिन ये उतार चढ़ाव भरा माहौल, बिकवाली का दबाव, विदेशी बाजार का टूटना, इन तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, मंथली एक्सपायरी के दिन आप क्या करेंगे, विस्तार से जानते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस की मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर गुड मॉर्निंग, विदेशी बाजार में तो भारी बिकवाली का दबाव फिलहाल देखने को मिल रहा है, ऊपर से मंथली एक्सपायरी भारतीय बाजार के लिए, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, पहली रणनीति क्या होगी जिस पर हमें ध्यान रखना है? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए ढेर सारे ट्रिगर्स हमारे लिए भी हैं, लगातार 4 दिनों से तो बाजार कमजोर हो रहे हैं, तो तकनीकी तौर पर तो बाजार कमजोर हुई है पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी है, बजट जैसी बड़ी इवेंट आपके सामने है, पोजीशंस भी अच्छी खासी बनी हुई थी, इन सारी चीजों का दबाव और ये अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल सेल ऑफ, क्योंकि इन सबके बीच में ये आशंका नहीं थी कि अमेरिकी बाजार इतना गिर जाएंगे। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डॉ फ्यूचर्स इतने ज्यादा कमजोर नहीं थे, मुश्किल से 101 पॉइंट, तो मुझे लगता है इन सबके बीच में आज पहला हाफ तो कमजोरी भरा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड हाफ में हो सकता है लगातार 4 दिनों तक कमजोर होने के बाद एक हल्की फुल्की रिकवरी निचले स्तरों से आ जाए शॉर्ट कवरिंग के चलते, क्योंकि कुछ हद तक बाजार ओवर सोल्ड भी है इसमें कोई डाउट नहीं है, और आज गैप से नीचे खुलने के बाद और ज्यादा कमजोर होते हुए दिखेंगे। तो अब आज के लिए अहम सपोर्ट रेंज जो है वो 13,750 के बीच में निकल कर आती है, इस रेंज को होल्ड करें तो ठीक, और इसके टूटने के बाद फिर अगला अहम सपोर्ट 13,550 के आसपास बनता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 13,750 के आसपास का इनकी निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 14,100-14,200 वो रेंज है जहाँ पर आपको फिर से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल मुश्किल से हम 30,000 के लेवल को बचा पाए, आज उसके नीचे ही खुलेंगे, तो ऐसे में 29,450-29,600 ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की जो अब अगला अहम सपोर्ट लेवल है आपके लिए, और ऊपरी स्तरों पर 30,500-30,700 बड़ा सप्लाई जोन अब बनकर आ रहा है, तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी सपोर्ट जोन्स निफ्टी के लिए क्विकली मैं रिपीट करती हूँ, 13,750 से 13,850 ऊपरी रेंज, 14,100 से 14,200 की बैंक निफ्टी, 29,450 से 29,600 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर फिलहाल आप मानकर चल सकते हैं, 30,500 से 30,700 ऊपरी रेंज होगी, वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, हर रणनीति जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस पर ध्यान रखिए, इस पर गौर कीजिएगा, फोकस जरूर करें। खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं खबरों के दम पर और साथ ही नतीजे कौन से रहे जिस पर नजर रखनी है। बड़ा दिन है नतीजों के लिए, मारुति निफ्टी से आ रही है और 15 कंपनीज वायदा कारोबार की हैं, वहां पर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा गेल आज बाय बाय की रिकॉर्ड डेट है, पीएम मोदी शाम 5:30 बजे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ आज आखिरी दिन है, अब तक लगभग 3 गुना भर चुका है इशू। पीवीआर कल शाम इन्होंने अपना क्यूआईपी लॉन्च करा है, लगभग 800 करोड़ रुपए जुटाएंगे क्यूआईपी के जरिए। इनका फ्लो प्राइस 1.1% के प्रीमियम पर है कल के क्लोजिंग के हिसाब से। इसके अलावा महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी को मंजूरी मिल चुकी है राज्य सरकार से, तो यह भी अच्छी खबर है। फेडरल मुगल इनका ओएफएस असफल रहा, 11.5 लाख शेयर्स के ऑफर के सामने सिर्फ 2700 शेयर्स की बोलियां इनको मिलती हुई दिखी हैं। एक्सिस बैंक का नतीजे थोड़े मिले जुले रहे, अगर आप देखें तो मुनाफा स्लिपेजेस की वजह से गिरता हुआ दिखा है, प्रोविजंस में 33% की आपने उछाल देखी है, एनआईआई 14% बढ़कर आई है। तिमाही दर तिमाही देखें तो ऑफकोर्स एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है पर थोड़ा वॉच लिस्ट में बदलाव हुआ है, तो एक्सिस बैंक रिएक्ट करेगा। एचयूएल यहां पर थोड़े मिक्स्ड नतीजे आते हुए दिखे, आई में आपने 21% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा 16% बढ़ा है पर मार्जिन्स गिरकर आए हैं और अनुमान से भी कमजोर रहे हैं इनके, एड एक्सपेंसेस में लगभग 20% की बढ़त रही है, वॉल्यूम ग्रोथ 4% की थी, 2 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया गया था। यूनाइटेड स्पिरिट्स यहां पर रिजल्ट्स ज्यादातर अनुमान मुताबिक ही रहे, आय 3.5% बढ़ी है, मुनाफा 8% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफे में आपने 8% की बढ़त देखी है। आईसीआईसीआई प्रू अनुमान मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे, मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम रहा, नेट प्रीमियम हमने 10% बढ़ते हुए देखा है, न्यू बिजनेस प्रीमियम अनुमान मुताबिक ही रहा, मार्जिन यहां पर अच्छा एक्सपेंशन रहा पर अनुमान से थोड़े कमजोर थे। नैम इंडिया यहां पर आय में 11.5% की आपने गिरावट देखी है, हालांकि मुनाफा 41% बढ़ा है, एयूएम में 4% की बढ़त रही है। पीएनबी हाउसिंग कमजोर नतीजे रहे, एनआईआई में 4% की बढ़त रही है पर मुनाफा 2% गिर कर आया है, निम स्टेबल रहे हैं, एसेट क्वालिटी में हल्की खराब हुई है एसेट क्वालिटी, स्पेशली जो ग्रॉस एनपीए नंबर्स हैं, प्रोफोर्मा ग्रॉस एनपीएस देखें तो वहां पर बढ़कर ही नंबर आया है। टाटा कॉफी अच्छे नतीजे रहे, 6% आय में बढ़त, कामकाजी तौर पर मजबूती रही और मुनाफा 20% बढ़ा है। और फाइनली जेके पेपर यहां पर नतीजे कमजोर थे, 9% आय में गिरावट, कामकाजी मुनाफा 32% गिर कर आया है, मार्जिन्स में 8% के सिकुड़े हैं और साथ ही मुनाफे की अगर आप बात करें तो आधे हो गए हैं इस तिमाही में। ओके दीपांशु शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट हैवी दिन है, काफी सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस रखना है। क्विकली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए जान लीजिए, चॉइस ब्रोकिंग की राय आईआरसीटीसी पर खरीदारी की है, 1,496 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 1,418 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी की राय टाइटन और कमिंस इंडिया पर है, टाइटन पर बिकवाली की रणनीति ये दे रहे हैं, 1,375 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1,480 का स्टॉप लॉस लगाकर सेल कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर कमिंस इंडिया पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज का मानना है कि 652 के टारगेट्स को यहां पर ध्यान में रखा जाए, 605 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। बाजार पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कहां पैसे आज आप लगा सकते हैं जान लेते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया और क्विकली अपने रिकमेंडेशन भी हमें बताएं। मानसी वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन एक शॉर्ट टर्म बॉटम में आज ही बनेगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पर जो भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मेरा सेम ही होगा, एक क्रूशियल लेन में बता दे रही हूँ तो उस रेंज के ऊपर जाने के बाद ही मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी के लिए जैसे 14,000 से 14,050, जब तक निफ्टी 14,050 से ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक कोई खरीदारी का रिकमेंडेशन नहीं है। इनफैक्ट अवॉइड करना है कोई भी ट्रेड निफ्टी के लिए, 14,050 के ऊपर जाने के बाद ही मैं निफ्टी में खरीदारी करने का सलाह देती हूँ, उसमें टारगेट 14,200 का बन सकता है। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी को देख खेलना है तो 30,450 से 30,550 यही मेरा रेंज है जो क्रिटिकल होगा आज के लिए। 30,550 के ऊपर जाके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो 21,000 तक का रैली एक देखने को मिल सकता है, पर 30,450 से नीचे ये बैंक निफ्टी वीक ही रहेगा और इसमें कोई भी ट्रेड एडविजिबल नहीं है क्योंकि 30,000 के आसपास मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लोअर लेवल्स पर वापस से बाइंग अट्रैक्ट कर सकता है।
रहा सवाल स्टॉक की, तो मुझे लगता है कि एक खरीदारी का कॉल और एक सेल कॉल मैं दे रही हूँ। खरीदारी का एचडीएफसी लाइफ पर खरीदारी करने का सलाह होगा 670 के स्टॉक, 670 का स्टॉप लॉस के साथ 700 से 710 का टारगेट आ सकता है एचडीएफसी लाइफ में। और सेल करने के लिए कोटक बैंक को चूज किया है, कोटक बैंक को 1770 1775 के आसपास सेल करने का सलाह होगा। 1785 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1750 से 1735 का टारगेट लोअर साइड पर देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। ओके सिमी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्विकली कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट देखें, एंजल कमोडिटी के अनुज गुप्ता से हमने बातचीत की, उनकी राय एक बार गोल्ड पर आप जानिए। बिकवाली का दबाव बुलियन मार्केट में देखने को मिल रहा है, बिकवाली की रणनीति अनुज की तरफ से भी, टारगेट 48,500 के मानकर चल सकते हैं, 49,350 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली कीजिएगा। वहीं कच्चे तेल की चाल सुस्ती यहां पर भी देखने को मिल रही है, इसी के चलते 3,930 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए बिकवाली ही कीजिएगा। 3,800 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 4,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। तो कच्चे तेल में और साथ ही गोल्ड में बिकवाली की रणनीति कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता की तरफ से। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।